धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहेगुरु वाहे गुरु
Thank you.
धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सात संगत जी, दास पंजाबी विच भी कथा कर सकता है, पर सिंधी संगत बहुत बैठी है, उन्होंने बहुत जिन्होंने कहा है कि हिंदी च कथा करो। तो दास जिथे कथा करते ना बॉम्बे दे साइड जिथे जिथे भी, उत्थे महाराष्ट्रंस, गुजराती, मुसलमान सारे जुड़ गए ने केवल इस करके कि कथा हिंदी च होंदी है। असी लोगों ने इन्हें कट्टरता दे विच आके बड़े लोगों को अपने तो दूर कर लिया है। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ होया है राइटर, लॉर्ड बर्नार्ड शॉ की किताब खरीदो हरिमंदर साहब के कोलों, उन्हें पूरी किताब च सिखी की उस्तत की है। कहिंदा मैं सारे धर्म देखे, आप क्रिश्चन हो, सारे धर्म देखे पर सिखी वर्गा धर्म नहीं। पर आखिरी पेज सीधा खोलना तुसी किताब लेके उहदा आखिरी किताब आखिरी पेज, वह सिखा नू गाल कढ़ के गया है। मैं इत्थे बोल नहीं सकता स्टेज ते जो उन्हें लिखिया है, और क्या है कि साडा एक जीसस क्राइस्ट सोली ते चढ़िया, असी अद्धी दुनिया क्रिश्चन बनाते, पर सिखो तुसी अपनी सिखी आप नहीं संभाल सके। दूजियां ने तुसी की प्रेरणा देनी सी, अपनी सिखी तुसी आप नहीं संभाल सके। उहदा कारण की साडी कट्टरता, साडी कट्टरता। कई थावां ते दास जांदा है, कोई लोग खड़े हो जाते हैं, भाई पंजाबी कथा करो हिंदी क्यों बोलते हो? तुसी जाओ होटलों कित भी चले जाओ पूरी दुनिया के, तुहानू बाइबल हर भाषा च मिल जाएगी। वो लोग प्रचार करते हैं उत्थे जाके जिहड़े भाषा के लोग उत्थे रहिंदे ने, ताकि दूजा ने पता लगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, सिखी की है। ता करके दास माफ़ी चाहेगा। बहुत सारी सिंधी संगत जुड़ी है गुरु घर के नाल, दास हिंदी च कथा करेगा क्योंकि गुरसिखा हिंदी समझ आ जाती है, पर सिंधी संगत जिहड़ी बैठी है उन्होंने पूरी पंजाबी नहीं समझ आती। तो दास खिमा दा जाचक है। अज का प्रकरण दास जिहड़ा लै लग्या सात संगत जी, हुण दास हिंदी च बोलना शुरू करेगा। धन गुरु नानक। सारे बोलो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का जो विषय है, दास हाथ जोड़कर बेनती करेगा, हम 350 साल गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मना रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के जय जयकार कर रहे हैं। धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक बेटा है, सारा दिन अपने पिता की औसत करता है कि मेरे पिता महान हैं, मेरे पिता जैसा कोई नहीं, मेरे पिताजी धन्य हैं। दिन रात औसत करता है, जहां बैठता है अपने पिता की औसत करता है। घर में आता है पिता के पाँव को माथा टेकता है, बाहर जाता है जाते वक्त पाँव को माथा टेक कर जाता है, पिता बड़ा खुश है। पिता कहता है शाम को बेटा एक गिलास पानी पिला दे, बेटा कहता है अपने आप ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या बीतती होगी पिता के मन में, जरा ध्यान देना दास जो कहने चाहते हैं। क्या पिता के मन से ये बात नहीं निकलती होगी कि क्या फायदा तेरे धन पिताजी कहने का, क्या फायदा तेरे माथा टेकने का, बात तो तू एक नहीं मानता। हमारा भी वही हाल है, धन गुरु नानक पूरा दिन कहेंगे, माथा टेकेंगे, गुरु को मानेंगे, गुरु की नहीं मानेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते अमृत वेले उठो, हम कहते हमसे नहीं उठा जाता। गुरु गोविंद सिंह जी कहते अमृत छको, हम कहते हमसे नहीं छका जाता, पर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या गुरु गोविंद सिंह जी के हृदय में से ये बात नहीं निकलती होगी, क्या फायदा तेरे माथा टेकने का, क्या फायदा तेरा पूरा दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी करने का, बात तो तू एक नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करना सात संगत जी, गुरु को मानने से कई गुना ज्यादा जरूरी है गुरु की मानना। हम अरदास करते हैं सिखा नू सिखी दान, केश दान, डह दान, विवेक दान, विसाहो दान, परोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। जरा अपने मन में झांको, अपनी सोसाइटी में झांको, क्या है सिखों में सिखी बची हुई, केश है बचे हुए, विसाह है, भरोसा है गुरु पे, नहीं है। क्यों? हजारों लाखों अरदासें रोज होती हैं, रोज,
गुरुद्वारों में कि सिखा नु सिखी दान केस दान, पर सिखी खत्म होते जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजह क्या है? क्या अरदास सुन नहीं रहा वो? नहीं, अरदास कोई भी व्यर्थ नहीं जा रही, कमी हमारी अंदर है। ध्यान से समझना बात को, सिखा नु सिखी दान, किसको? सिखों को। केस दान किसको? सिखों को। विसाव दान किसको? सिखों को। सिख कौन? हम अपने आप को सिख समझते हैं, पर नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं तू सिख नहीं, गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, कहते तू बाणे पहले सिखों वाला, सिख तब है गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उत्तम करे पल के प्रभाती, इश्नान करे अमृत सर नावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू नहीं उठता अमृत वेले तो सिख नहीं है मेरी नजर में, गुरु रामदास जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा साध संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज मेरी बातें शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे जो दास कहने जा रहा है, पर चोट करनी चाहिए, बुरा लगना चाहिए, हमने बुरा मनाना छोड़ दिया है। आज का विषय जो दास लेने जा रहे हैं अमृत वेला, जी जिसके हृदय में बस गया साध संगत जी, गुरु नानक मेहर करे बाणी की ताकत है, बाणी की ताकत। गुरु नानक मेहर करे तो की नहीं हो सकता, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, गुरु नानक मेहर करे तो की नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष गुरु नानक बैठा है, संगत जुड़ी बैठी है, इस प्रकरण को बड़ी ध्यान से सुनना ताकि हमें पता चले अमृत वेला क्या है, अमृत वेला क्यों इतना जरूरी कहा गया है, और अमृत वेले को संभालना कैसे है। गुरु नानक मेहर करे आज ये प्रकरण हमारे हृदय में बस जाए, और आज रात के बाद जो भी दिन अमृत वेला आए हमारा कभी सो कर न बीते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ सब मिलकर ये शब्द श्रवण करें और फिर समझे इस बात को कि धन कहना असल किसका सार्थक है। सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु। जित मिल हर पड़दा कजिया, 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 सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु। जित मिल हर पड़दा कजिया, 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 सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु। पंचे शब वजे मत गुर मत वड पागी अनहाद वजिया, पंच
ऊंचे शब्द वजे मत गुर वड पागी अनहात बजया जित मिलहार पड़दा गजया सब धन कहो गुर सत गुरु सब धन कहो गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कजया 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 सब धन कहो गुर सत गुरु सब धन कहो गुर सत गुरु धन 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 गुरु गोविंद सिंह जी धन धन गुरु गोविंद सिंह जी धन 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 गुरु गोविंद सिंह जित मिल हर पड़दा कजया 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 सब धन कहो गुर सत गुरु सब धन कहो गुर सत गुरु मत
हर प्रभ भजया हर प्राप पजया जित मिल हार पड़दा गजया सब धन कहो और सत गुरु धन कहो और सत गुरु जित मिल हार पड़दा गजया मिल हर पड़दा कजया मिल हर पड़दा कजया जित मिल हर पड़दा कजया सब धन कहो और सत गुरु सब धन कहो और सत गुरु हर देवो दान दयाल प्रभु जन राखो हर प्राप लजया हर देवो दान दयाल प्रभु जन राखो हर प्राप लजया जित मिल हार पड़दा गजया सब धन कहो गुर सत गुरु सब धन कहो गुर सत गुरु जित मिल हार पड़दा गजया जित मिल हार पड़दा जित मिल हर पड़दा कजया जित मिल हर पड़दा कजया जित मिल हर पड़दा कजया सब धन कहो गुर सत गुरु सब धन कहो गुर सत गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक सारे बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक शब्द की पंक्तियां ये चल रही है सब धन कहो गुरु सतगुरु क्या होगा धन कहने से जित मिल हर पड़दा कज्या भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी खन्ने वाले जो अपने साथ भाई साहब लगाकर गए हैं पर थे संत हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक पूर्ण महापुरुष वो अक्सर वचन किया करते थे अगर एक सत्संग हो जाए ना एक दूसरे की जरूरत ही नहीं है हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक एक सत्संग सही तरह से हो जाए हमारा नहीं हुआ सत्संग बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे सत्संग में चार प्रकार के लोग आते हैं ऊंगे सोंगे चुंगे और डूंगे ऊंगे तो सत्संग में आ तो गए पर आकर सो गए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जैसे आए थे वैसे ही चले गए ना कुछ पाया ना कुछ गवाया दूसरे प्रकार के सत्संगी होते हैं सोंगे
सत्संग में आए तो सत्संग करने, पर उनका ध्यान यही है कौन क्या पहनकर आया है, क्या कर रहा है, कभी आया है, कहां बैठा है, उनका ध्यान सत्संग में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सूंगे, तीसरे प्रकार के सत्संगी चूंगे। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे ऐसे लोग सत्संग में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि यहां पर हम आते हैं कुछ पाने, चूंगे गवा कर चले जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। चूंगे जो यहां पर आते हैं केवल मिस्टेक ढूंढने, गलती क्या की है प्रबंधकों ने, जिन्होंने प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है क्या गलती की है, कीर्तन या कीर्तन कर रहे हैं कौन सी गलती कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल गलती ढूंढने आते हैं, यहाँ पर गलती ढूंढते हैं, बाहर जाकर निंदा करते हैं, आए तो कुछ पाने, जो था वो भी गवा कर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथे प्रकार के सत्संगी होते हैं डूंगे गहरे। बाबा जी वचन किया करते थे अरदास किया करो संगत में बैठ के, पांच छह हमें संगत में बैठना आ जाए, संगत में बैठना आ जाए, क्योंकि एक सत्संग हो जाए दूसरे की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ढूंढे वो जो यहाँ पर पूरे एकाग्र चित होकर वाणी से जुड़ते हैं, शब्दों के भाव को समझने की कोशिश करते हैं, फिर घर में जाके भी उस पर विचार करते हैं, ऐसे लोग झोलियां भर कर ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी से संगत ने सवाल किया था, पाचा उत्तम सत्संगी कौन, छेवे गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी से। कहने लगे अकाल तख्त साहब देखा है, अकाल तख्त साहब से श्री हरमंदर साहब के दर्शन होते हैं, पर एक बार हरमंदर साहब के अंदर जाके बैठ जाओ अकाल तख्त साहब के दर्शन नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे राज गद्दी पर भी बैठे हो, ध्यान निरंकार के चरणों में जुड़ा रहे, पर एक बार निरंकार के चरणों में आकर बैठ गए सत्संग में, तो अगर राजा भी हो अपने आप को भूल जाओ। प्यार से बोलिए धन। वो होता है उत्तम सत्संगी। उत्तम सत्संगी गुरु मेहर करे दास ने ये बात इसलिए कही ताकि मन पूरा एकाग्रचित तो हो जाए, हम डूंगे सत्संगी बने चूंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अक्सर हम कहते हैं कि हम गुरु नानक को प्यार करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को प्यार करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू क्या प्यार करेगा मुझसे, एक काम कर ले बस। साध संगत जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंग सारी बाणी पढ़ लीजिए, विचार लीजिए, गुरु नानक ने दिया ही दिया है, कुछ नहीं मांगा सिख से, केवल एक चीज मांगी है, एक क्या सर्वन कीजिए। साचा साहेब साच नाम पाख्या पाओ अपा आखे मंगे दे दे दात करे दाता, फिर के आगे रखिए जित दिसे दरबार, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन तरे पिया, अमृत वेला सचना अमृत वेला अमृत वेला नगरी मोख दुआ, नानक एवें जानिए सब आपे सचिया, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, के मुंह से कौन से बोल बोलूं, कब बोलूं कि गुरु नानक मुझसे प्यार करे।
तो पाछा कहते हैं अमृत वेला सच नाओ बढ़ियाई विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर चाहता है कि गुरु नानक तुझसे प्यार करे तो अमृत वेले उठ स्नान कर सिमरन में जुड़ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला है क्यों? कई लोग सवाल करते हैं अमृत वेला है क्यों। जन्म साखी में ये वचन लिखे हुए गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ कवि भाई संतोख सिंह जी उसमें ये वचन लिखे हुए गुरु नानक पातशाह के। जिस सोने को राजा ने अपनी तिजोरी में शामिल करना हो उसे कसवटी पे घिसता है। जिस सोने को राजे ने अपने खजाने में शामिल करना हो उसे कसवटी पर घिसता है परखता है। जिस इंसान को गुरु नानक ने अपने चरणों में निवास बख्शना हो उसे अमृत वेला बख्शता है। प्यार से अमृत वेले की वड़ियाई साथ संगत जी कहीं नहीं जा सकते। आज हम अपने दुखों से दुखी हैं जबकि सिख का जन्म पता क्यों हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख क्यों बनाया था? दूसरों के दुख दूर करने के लिए। आज हम अपने दुखों से ही दुखी हैं। कारण क्या है? सबसे अनमोल दात हमसे छूट गई है वो है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाला गे उठ नाम जप निसबासुर आराद कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद। बाणी की पंक्तियां हैं क्या कह रही है बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। चालागे कहते हैं सूरज निकलने से पहले का समय। गृहस्थियों के लिए अमृत वेले का समय होता है 3 से 6 बजे तक। महापुरुष जो होते हैं रात को 12 बजे ही स्नान करके बैठ जाते हैं। अमृत वेला 12 बजे से शुरू हो जाता है पर गुरु नानक पातशाह का हुक्म हम गृहस्थियों के लिए 3 से 6 बजे तक का जो समय है उसे अमृत वेला कहा गया है। केवल सिखों में ही नहीं साध संगत जी हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। मुसलमानों में पहली अजान अमृत वेले होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी धर्म का कोई महापुरुष ऐसा नहीं जो संत की अवस्था में पहुंचा हो पर वो अमृत वेला ना संभालता हो। अगर अमृत वेले नहीं उठता हो सकता है कुछ भी हो संत नहीं हो सकता। जो अमृत वेला नहीं संभालता गुरु रामदास जी तो उसे सिख मानने के लिए तैयार नहीं है। हम संत कैसे मान लें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाला गे उठ नाम जप निस बासुर आराध दिन रात नाम जप। क्या होगा? हम अक्सर मांगते हैं कि कृपा कर उठ तो बैठ तो सोवत जागत ए मन तुझे चितारे कि दिन रात तेरा नाम जपूं। ये बातों से नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी बड़ी दात है। चाला गे उठ अमृत वेले उठ के नाम जप ऐसी कृपा हो जाएगी तुझ पे अपने आप दिन रात तेरे अंदर सिमरन चलना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निस्वासुर आराध कारा तुझे ना व्यापई आने वाली मुश्किलें आने से पहले खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये कोई अतकथनी नहीं साध संगत जी। दास गुरु साहब जी की हजूरी में स्टेज पर बैठा है हजारों प्रमाण है आज के भी और पुरातन भी सिख इतिहास के। जिसने जिसने अमृत वेला संभाला है गुरु नानक ने उसे संभाला है अपने हाथों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुश्किल समय आने से पहले टल जाता है। नानक मिटे उपाद। उपाद कहते हैं स्वभाव को। किसी का कोई बुरा स्वभाव है किसी का कोई बुरा स्वभाव है। हैबिट स्वभाव का भाव होता है हैबिट। आपने पढ़ा होगा बड़े बड़े लिखारी लिख कर गए कि हैबिट नहीं छूटते चाहे कुछ भी हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी तक लिख के गए हैं कि एक बार किसी का स्वभाव जो बन जाए वो फिर बदलता नहीं मरते दम तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं नहीं आ मेरे पास मेरी बात मान तेरा स्वभाव भी बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैबिट हमारी टीचर हमें बचपन में सिखाया करती थी हैबिट। एच निकाल दो अबिट रिमेन्स फिर बच गया। ए निकाल दो इट रिमेन्स। आई निकाल दो टी रिमेन्स चाय का कप फिर नहीं छूटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैबिट इतनी बुरी चीज है जिसको जिस चीज की आदत पड़ जाए वो नहीं छूटती।
गुरु नानक पाशा कहते तू संभाल अमृत वेले उठ के नाम जप, तेरा झगड़ालू स्वभाव, तेरा क्रोधी स्वभाव, तेरा वासना से भरा हुआ स्वभाव वो भी बदल जाएगा अमृत वेले के सदके। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, बाणी की पंक्तियां कह रही। चालागे उठ नाम जप निस बासुर आरा, कारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उतारा, सब धन कहो गुर सतगुरु, सब धन कहो सतगुरु। असली धन कहना उसी का सफल है, धन गुरु नानक धन गुरु गोविंद सिंह जी कहना उसी का सफल है जो गुरु की बात माने। गुरु की बात मानो, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु कह रहे हैं पुकार पुकार के। सैकड़ों प्रमाण है गुरुवाणी में जहां पर बार बार कहा गया है कि अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल। पांच प्यारे जब अमृत चकाते हैं तो क्या कहते हैं, पांच वाणियों का पाठ करना, अमृत वेला उठ के पांच वाणियों का पाठ करना, कहते हैं कि नहीं कहते है? पहली शर्त है अमृत वेला। धन कहना उसी का सफल है जो गुरु की बात माने। बाबा नंद सिंह जी महाराज इसका बड़ा प्यारा उदाहरण दिया करते थे। कहते थे एक पति विदेश गया, अपने घरवाली को चिट्ठी लिखता है, घरवाली को चिट्ठी मिली, उसने चूमा माथे से लगाया, बड़े प्यारे अच्छे कपड़े में लपेट कर उसे रखा। दूसरी चिट्ठी आई कुछ समय बाद, उसे भी इसी प्रकार अच्छे कपड़े में लपेट कर रखा। रोज अगरबत्ती जलाती है चिट्ठियों के सामने, मेरे पति की चिट्ठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूल माला चढ़ाती है, मेरे पति की चिट्ठी है, पति परमेश्वर है। पति आता है कुछ समय बाद, कहता है मेरी चिट्ठी मिली? कहती है हाँ, देखो मैंने कितने प्यारे ढंग से, कितने आदर सत्कार से आपकी चिट्ठी को रखा है, अच्छे कपड़ों में लपेट कर, रोज पूजा करती हूँ मैं इन चिट्ठियों की। पति कहता है बहुत अच्छी बात है, चिट्ठियों में जो मैंने काम लिखे थे वो किए? पत्नी चुप, चिट्ठी तो खोल कर पढ़ी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूजा में रोज करती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, अच्छे कपड़े में लपेट कर रखती हूँ, माथे टेकती हूँ, चूमती हूँ, पर मैंने चिट्ठी पढ़ी नहीं। पति क्या कहेगा? मूर्ख नहीं कहेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जो काम लिखा था चिट्ठी में वो तो किया नहीं, तेरी पूजा का मैं क्या करूं? यही हाल क्या हमारा नहीं है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी गुरुओं की चिट्ठियां हैं। हम लाखों रुपए के रुमाले चढ़ा देते हैं, माथे टेकते हैं, पर जो उसमें कहा है करो वो हम करने को तैयार ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमृत छको, हम कहते हैं हमसे नहीं छका जाता। क्यों? आम आदमी का पता क्या जवाब होता है कि अमृत छकने के बाद कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो पाप हो जाएगा, कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए अमृत छकने के बाद। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे अमृत ना छकने से बड़ी कोई भूल नहीं। अमृत छकने के बाद कोई गलती हो जाए उसकी माफी है, पर अमृत ना छकने की कोई माफी नहीं। कह लगे देखो हजार गिनना पड़े तो कितना समय लगेगा, 10,000 गिनना पड़े तो कितना समय लगेगा, 1,00,000 गिनना पड़े तो कितना, अगर 84,00,000 गिनना पड़े कई दिन लग जाएंगे, हो सकता है कई दिन लग जाए। अगर 84,00,000 जोनिया भुगतनी पड़ जाए तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। 84,00,000 जोनिया भुगत कर आज हमें यह शरीर मिला है। वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सत्संग जी दास बार बार कहता है, 84,00,000 परमतिया मानुख दे पाई रे, 84,00,000 जोनिया भुगत के कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देश अंजरिया। 84,00,000 जोनिया भटकने के बाद हमें यह शरीर मिला है, किस लिए? कि चार दुकानें हैं, चार और खोल लें, एक बंगला है, चार बंगले बना लें, 10 गाड़ियां बना लें, इसके लिए मिला है? नहीं। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय महापयान दूत जम दल्ले, ते केवल नाम संग तेरे चल्ले। नाम जपने के लिए शरीर मिला था, हम सारे काम करने के बाद अगर समय मिलता है तो नाम जपते हैं। वाणी कहती है
नाम जपने के बाद समय मिले तो फिर काम कर। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 84 लाख जोनी भटकने के बाद यह शरीर मिला है, हम सीढ़ी के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, आखिरी पायदान पर। अगर तो अमृत वेला संभाल लिया, नाम जप लिया, अमृत वेले उठ के निरंकार की प्राप्ति, अगर इस पायदान से फिसल गए 84 लाख, एक बार गिनकर देख लो कमरे में बैठकर, अंदाजा लग जाएगा कि क्या हाल होने वाला है। और अगर गुरबाणी पर विचार करें ध्यान से तो उसके मुताबिक 4 युग लग जाते हैं 84 लाख जुनिया भुगतने में, 4 युग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो सारे शब्द गाओ साथ में, धन गुरु सब धन कहो गुरु सतगुरु, पर मन में एक विचार रखो, धन कहना हमारा तब सार्थक है जब हम अपने गुरु की बात माने। अगर केवल धन कहते रहेंगे तो सार्थक नहीं है। आओ सब मिलकर गायन करो, सब धन कहो गुरु सतगुरु, धन कहो गुरु सतगुरु, जित मिल हर पड़दा कजिया, 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 सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु, धन 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 गुरु गोविंद सिंह जी, धन 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 गुरु गोविंद सिंह जी, धन 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 गुरु गोविंद सिंह जी, धन धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन 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 गुरु गोविंद सिंह जी, जित मिल हर पड़दा कजिया, 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 सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु। ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को, रात कथोरी वंडी है, सुतिया मिलन ना पाओ, जिन्होंने निंद्रा विले बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम अक्सर अरदास करते हैं पातशाह से कि नाम की दात बख्शो, नाम की दात, सारे मांगते हैं नाम की दात बख्शो, नाम की दात बख्शो। पातशाह फरमाते हैं हर चीज के मिलने का समय होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें किसी ऑफिसर से काम हो, समझो म्युनिसिपैलिटी में एक ऑफिसर है, कमिश्नर है, हमें उससे काम है, हम उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो कहता है दोपहर को 2 बजे आ जाना, हम जाते हैं शाम को 6 बजे और फिर नाराज होते हैं कि वो मिलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गलती किसकी है, कमिश्नर की या हमारी? हमारी गलती है,
उसने टाइम 2 बजे का दिया था। पातशाह कहते हैं नाम की दात चाहिए, उसका समय है रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम रूपी कस्तूरी निरंकार रात को बांटते हैं अमृत वेले। रात कथूरी वंडी है, सुतिया मिलन न पाओ, जो सोए रहेंगे उन्हें नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिना नैन नींद्रा वाले अमृत वेले, जिनकी आंखों में नींद है, मैं नहीं कह रहा दास संगत साध संगत जी, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, वाणी की पंक्तियां सख्त है। अमृत वेले जिनकी आंखों में नींद है, जिना नैन निंद्रा वाले तिन्ना मिलन को आओ, पाचा कहते उनके जीवन में बस रोना ही रोना है बस। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम गुरु से खुशियां मांगते हैं, गुरु कहते हैं अमृत वेले उठ, नहीं उठा जाता। नाम की दात मांगते हैं, गुरु कहते हैं दूंगा। अमृत वेले उठ, नाम की दात मिलेगी, हम नहीं उठते। हम उठते हैं 7 बजे। आजकल तो ये हाल हो गया है, गुरुद्वारा में आशाई दीवार का कीर्तन 8 बजे 7 बजे शुरू होता है। आशा जी दीवार का एक घटना याद आ गई साथ संगत जी, बड़ी कीमती है, असल में तो बहुत दुख भरी है। पर इस घटना को सुन के एक बार मन कांप जरूर जाता है, शर्म आ जाती है, शर्म से आंखें झुक जाती है, मन झुक जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छोड़ा, ध्यान देना साथ संगत जी, 500 सिंह साथ में आनंदपुर साहब का किला छोड़ा, सरसा नदी पार की। उस सरसा नदी को पार करते वक्त परिवार का भी छोड़ा भी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब नदी पार की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कोई एक बार जीवन थोड़ा सा भी पढ़ लेना साथ संगत जी, सारे दुनिया में उनके जैसा कोई दिखाई नहीं देता, सारी सृष्टि में। प्यार परिवार का भी छोड़ा हो गया हो, आदमी रोता है, कुरलाता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं, दया सिंह अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया सिंह अमृत वेला हो गया है। कीर्तनीय सिंहों को कहो आशा जी दीवार का कीर्तन शुरू करें, ध्यान देना सात संगत जी, आनंदपुर साहब का किला छोड़ा है, पीछे लाखों की मुगल सेना पड़ी है मारने के लिए। 500 सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास है, परिवार का भी छोड़ा हुआ है अभी अभी, और वो क्या कहते हैं, ऐतिहासिक घटना है ये, ऐतिहासिक, कि आशा जी दीवार का कीर्तन शुरू करो। दया सिंह जी चुप, पीछे लाखों की मुगल सेना है। कहने के पाछा सेना आ जाएगी, पहुंच जाएगी, सब मारे जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे 250 सिंहों को पहरे पर खड़ा कर दो, 250 सिंहों को पहरे पर खड़ा कर दो, 250 सिंहों से कहो एकाग्रचित होकर आशा जी दीवार का कीर्तन श्रवण करें, क्योंकि अमृत वेला हो गया है। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे बोले कौन, कोई नहीं बोल सकता। कीर्तनीय सिंहों ने आशाई दीवार का कीर्तन शुरू कर दिया, 250 सिंह पहरे पर खड़े हो गए, 250 सिंह एकाग्रचित होकर कीर्तन सुन रहे हैं आशाई दीवार का। मुगल सेना पहुंच गई, 250 सिंह लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और 250 सिंह एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर आशाई दीवार का कीर्तन सुन रहे हैं। यहां पर रुककर जरा ये विचार करें साथ संगत जी, कैसा समय होगा जरा विचार कीजिए, मौत सर पर खड़ी है, 250 सिंह मन एकाग्रचित करके कीर्तन सुन रहे हैं, आज यहाँ पर एक छोटी सी आवाज हो जाए, हम सबका ध्यान बदल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या फर्क था उन सिखों में और हम में, फर्क एक ही है, उन्होंने जीवन संभाला था, हमने जीवन गवा बैठे हैं। ढाई सौ सिंह शहीद हो रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, आशाई दीवार के कीर्तन का भोग पड़ा। दया सिंह साध संगत जी इतिहास में लिखा है, गुरु प्रताप सूरज की पंक्तियां, पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने बोला, पहली बार, पाछा आपके आज के अमृत वेले ने 250 प्यारे सिंह शहीद करवा दिए, आज का दिन अगर अमृत वेला ना संभालते तो क्या हो जाता, एक दिन ना संभालते क्या हो जाता।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, दया सिंह तो कहता है कि 250 सिंह शहीद हो गए, मैं कहता हूं 500 के 500 सिंह शहीद हो जाते, तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता, पर अगर आगे चलकर कोई ये इतिहास की घटना सुनता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जंग के मैदान में भी अमृत वेला संभाला, अमृत वेला कितना जरूरी होगा कि मौत सर पर खड़ी है फिर भी अमृत वेला संभाला, इस घटना को सुनकर किसी एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया ना तो ये सौदा महंगा नहीं सस्ता है। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने प्यारे 250 सिंह शहीद करवा लिए, पर हम कहां जागने वाले हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी मन में शर्म है, थोड़ी सी भी चोट लगी हो तो आज मन ही मन प्रण करके जाना, अरदास करके पाछा, आज के बाद जो रात आए वो सो करना बीते, तेरे सिख बने हम तो होगा धन, गुरु गोविंद सिंह जी कहना सार्थक। ये मन ही मन अरदास करना, मन ही मन प्रण करना होता मन से। दास का सुबह 4 बजे अमृत वेले का समय है, सारी संगत के चरणों में बेनती है, साथ संगत जितनी भी संगत बैठी है, दास का जीवन का एक ही मकसद है संगत को अमृत वेले से जोड़ना, एक ही मकसद। महापुरुषों का दास को हुक्म है, दास सारी दुनिया में जहां जहां गुरु भेजता है वहां जाकर अमृत वेला का प्रचार करता है, और गुरु की कृपा से हजारों लाखों लोग जुड़ गए हैं अमृत वेले। दास यहाँ पर आया है आपके आगे झोली फैलाता है कि सुबह 4 बजे अमृत वेला है, अगर थोड़ी सी मन को चोट लगी है तो हाथ खड़े करके प्यार का सबूत दो कि सुबह 4 बजे सारी संगत पहुंचेगी, सारी संगत जकारा बुलाओ मिलकर। सत श्री अकाल। बोले सोनिहार। सत श्री अकाल। मन खुश हो गया साथ संगत जी, शुक्र है पाचा जिन्होंने हाथ खड़े किए ना साथ संगत जी, इसका भाव पता क्या है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। जिसने मन भी बनाया है ना कि मैं अमृत वेले उठने की कोशिश करूंगा, गुरु नानक आकर उठाएगा सुबह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ थोड़े से विचार और करें क्योंकि तकरीबन 15 मिनट दास के और हैं, पर मन बना के रखा है आज तो एक काम जरूर करना, रात को कम खाना, अगर पता है सुबह नहीं उठा जाता तो सोना ही मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन अमृत वेला करके देखो, कल गुरु नानक मेहर करेगा। वाणी कहती है कि अमृत वेले जो उठ के मांगो गुरु को देना पड़ता है, जिस दिन अमृत वेले उठो अगले दिन का अमृत वेला मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी छूटेगा ही नहीं, कभी नहीं छूटेगा। आओ शमा शरण करो। नाव पर भाते शब्द ते आई, छोड़ो दुनी परिता। नाव पर भाते शब्द ते आई, छोड़ो दुनी परिता। प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारा तिन जीता। नाव पर भाते शब्द ते आई, छोड़ो दुनी परिता। इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से समझना। नाव पर भाते शब्द ते आइए, छोड़ो दुनी परिता। अमृत वेले उठ नाम जप, उस वक्त दुनियावी परित छोड़ दे। पाचा कहते छोड़ो दुनी परिता। महापुरुष इस पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार किया करते थे कि माता पिता अमृत वेले उठ गए, छोटे बच्चे सो रहे हैं, उन्हें तरस आता है कि इन्हें सोने दो, इन्हें सोने देते हैं। पाचा कहते हैं उस वक्त दुनियावी प्रीत छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों को जबरदस्ती उठा अमृत वेले, नाम जपा। नाव पर भाते शब्द त्याय, छोड़ो दुनी प्रीता। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, जो माता पिता अमृत वेले अपने बच्चों को सोने देते हैं अनजाने में जहर खिला रहे हैं, जहर। और जो माता पिता बच्चों को जबरदस्ती उठा के नाम जपा रहे हैं मानो बांध कर अमृत पिला रहे हैं। अब हमारी मर्जी है हम अपने बच्चों को जहर पिलाना चाहते हैं या अमृत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जिम्मेदारी ज्यादातर माताओं के ऊपर आती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में माता को सत्कार दिया गया है अगर बच्चा लायक निकले,
बच्चा नाम जपता है तो तीन तन जने की माओ आए सफल से, और अगर बच्चा नाम नहीं जपता तो गाली भी माता को दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपका फर्ज है बच्चों को अमृत वेले उठाना। अक्सर माता पिता क्या कहते हैं, हम नाम जपने के लिए कहते हैं, जपजी साहब जी का पाठ करने के लिए कहते हैं, पर नहीं करता बच्चा, तो स्कूल जाने के लिए भी नहीं मानता, जबरदस्ती भेजते हैं कि नहीं, चाहे लालच देके चाहे डांट कर, कभी मारना पड़े तो मार कर भी भेजते हैं, क्योंकि इसमें उसकी भलाई है। हमें जो चीज जरूरी लगती है वो हम बच्चों से किसी भी प्रकार करवा लेते हैं। हमारी नजरों में अमृत वेले की कीमत जिस दिन वो हो गई, उस दिन बच्चे को अमृत वेले भी उठाएंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर बड़े होकर पछताना नहीं पड़ेगा, फिर जाकर महापुरुषों से कहना नहीं पड़ेगा कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे सत्कार नहीं करते, आदर नहीं करते। जो माता पिता अपना फर्ज निभाते हैं इस वक्त बच्चों के प्रति, बड़े होकर बच्चे फिर अपना फर्ज निभाते हैं। इस वक्त आपने अगर अपना फर्ज नहीं निभाया अमृत वेले उठाने का, तो वो भी अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाव पर भाते शब्द ते आए, छोड़ो दुनी पर प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारा तिन जीता, सब धन्य कहो गुरु सतगुरु आ, कहो गुरु सतगुरु। जित मिल हर पड़दा कजया, 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 जित मिल हर पड़दा कजया। एक बार दास, एक बार सारी संगत हाजिर लगाओ गुरु के चरणों में, कोई आवाज कोई रसना वांझी ना रह जाए। सब धन्य कहो गुरु सत गुरु, संगत सब वाह, सब धन्य कहो गुरु सत गुरु, सब जित मिल हर पड़दा कजिया, जित मिल हर पड़दा कजिया, जित मिल हर पड़दा कजिया, सब धन्य कहो गुरु सत गुरु, सब धन्य कहो गुरु सत गुरु। ज्ञानी भिंदरपाल सिंह जी हमारे पास आए, दास ने प्रोग्राम पे बुलाया, वहां पर आए तो काफी संगत उनसे बेनती करने लगी कि हमारे लिए अरदास करो कि हम अमृत वेले उठ सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यानी पिंदरपाल सिंह जी स्टेज पर बैठे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरी अरदास करो कि मैं अमृत वेले उठूं, कहने लगे मैं तो यही अरदास करूंगा कि भाई तू टाइम पर सो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हम गुरु से मजाक करते हैं, एक बजे सोते हैं और अरदास करें पाछा अमृत वेले उठा देना, ये तो मजाक हो गया। ये कृपा जरूर हो जाती है, जो अमृत वेले जिनका नेम बन जाता है ना, ऐसी कृपा हो जाती है, वो एक घंटा सोकर भी उठ सकते हैं। पर हम गृहस्थी जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है अमृत वेला संभालने की, कम से कम चार घंटा सोकर उठें तो फ्रेशनेस होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3 बजे उठना है कम से कम, मैं वैसे तो बहुत जल्दी सोना चाहिए, कम से कम 11 बजे सोने की कोशिश किया करो ताकि 3 बजे उठ जाए। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन है कि हाली जो खेत में हल चलाते हैं सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं, शरीर की थकावट, उनकी नींद 6 घंटे उससे ज्यादा सोए तो आलसी। गृहस्थी, हम जैसे गृहस्थी, उनकी नींद 4 घंटे उससे ज्यादा सोए तो आलसी। कोई संत हो, अपने आप को संत कहलवाता हो, 2 घंटे
सोए, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर हम अपने आप को अंदर झांकेंगे, हम तो महा आलसी है, महा आलसी। पर अमृत वेले की बरकत है साथ संगत जी। आप अमृत वेला संभालना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में गुरु नानक की ऐसी कृपा हो जाती है, 2 घंटे सोकर भी आप उठ जाएंगे और आपको लगेगा आप 8 घंटे सो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास एक आदमी आया, कहने लगा आप कहते हो अमृत वेले उठो, मुझसे नहीं उठा जाता। मैं 3-3 घड़ियों में अलार्म लगाता हूं, अपने घरवाली से भी कहता हूं कि मुझे उठा दे, पर नहीं उठा जाता। अलार्म बजता है मैं बंद कर देता हूं, घरवाली उठाने आती है उठा के चली जाती है, मैं नहीं उठ पाता, पर मैं कोशिश तो करता हूं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कोशिश तो करता हूं ना उठने की, मैं नहीं उठ पाता तो मेरी क्या गलती है। महापुरुष कहने लगे ठीक है, कोशिश कर रहे करता रहे, गुरु मेहर करेगा। महापुरुष ने उसके बेटे को बुलाया अपने पास, छोटे बच्चे को, उसके कान में कुछ कह दिया। अगले दिन सुबह अलार्म बजा, उसने बंद कर दिया। दूसरा अलार्म बजा, तीसरा बजा, उसने बंद कर दिया। घर वाली आई, उठा उठा कर चली गई, नहीं उठा। बेटा पास में आया, कहने का पिताजी मैंने 4 फुट लंबा सांप आपके पलंग के नीचे जाते देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब फटाफट उठा, डंडा लेकर आ गया, सांप ढूंढ रहा है। बेटा कहने लगा पिताजी कोई सांप नहीं है, महापुरुषों ने कहा था आपको ऐसे कहने के लिए। अब जब महापुरुषों के पास गया तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे भाई क्यों मिला सांप, अब कैसे उठ गया। कहने लगे ये मजाक नहीं है, ये काल रूपी सांप नाग हर एक के सर पे लटका हुआ है। कौन सा दिन किसका आखिरी है हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी तो कहती है, गुरु नानक पाशा ने अर्थ किया था ना, आदमी हम आदमी है एक दमी, दम आया तो आदमी नहीं तो मिट्टी की ढेरी। कौन सा दिन हमारा आखिरी हमें नहीं पता, अगर बिना अमृत वेले संभाले चले गए दरगाह में, धर्मराज ये नहीं पूछेगा दुकान खोली थी कि नहीं, ये जरूर पूछेगा अमृत वेले उठ के नित्यनेम किया था कि नहीं। जब भी मन में आलस आए अमृत वेले उठने में, तो ये बात को याद कर लिया करो, पता नहीं ये मेरे जीवन का आखिरी दिन ना हो, अमृत वेला संभाल के जाऊं, गुरु नानक के आगे सुर्ख रहूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो जित मिल हर पड़दा कजिया, 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 सब धन कहो गुरु सतगुरु, सब धन कहो गुरु सतगुरु, धन 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 गुरु गोविंद सिंह जी, 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 हर देवो दान दयाल प्रभु जन राखो हर प्रभ लजया, हर देवो दान दयाल प्रभु जन राखो हर प्रभ लजया, जित मिल हर पड़दा कजया,
सब धन्य कहो गुरु सतगुरु सब धन्य कहो गुरु सतगुरु जित मिल हर पड़दा कजया 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 सब धन्य कहो गुरु सतगुरु 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 जित मिल हर पड़दा कजया 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 सब धन्य कहो गुरु सतगुरु सब धन्य कहो गुरु सतगुरु इतनी सेवा प्रवान करनी एक छोटी सी दास की बेनती आखिर में। आज जब रात को सोने के लिए जाएं तो बाबा आनंद सिंह जी महाराज की बताई हुई जुक्ति दास बता रहा है कि पांच स्नान कर लें बिस्तर पर बैठकर जब कीर्तन सोहिला का पाठ हो जाए पांच स्नान करके तो एक श्री जपजी साहब जी का पाठ करके अरदास करना गुरु नानक के चरणों में पाछा अमृत वेले तू उठा दे मुझसे नहीं उठा जाता तो कृपा कर। महापुरुषों के वचन है कि उस दिन जब आप सुबह उठोगे एक सेकंड में उठ जाओगे आलस नहीं आएगा गुरु नानक खुद उठाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। इतनी हाजिरी दास की परवान करना। दास सुबह आकर इंतजार करेगा सारी संगत का। उम्मीद है कि सारी संगत अमृत वेले उठ के आएगी चार बजे गुरु नानक मेहर करे। अब दास के वीर पंथ के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी शिमले वाले दास जिनका फैन भी है बहुत बहुत सुनता है दास इनको बहुत ही प्यारा जुड़कर कीर्तनीय तो बहुत है साथ संगत जी जुड़कर करने वाले कुछ गिनती के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जुड़ जाता है वो जोड़ भी देता है। तो ऐसी महान शख्सियत से अभी कीर्तन श्रवण कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।